राम राम दोस्तों, जय देव की। आप सभी ने जो हमारा साथ दियो, अगर ये सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सभी को शुक्रगुजार हूँ कि आज अतरा बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा कॉल आ रहे हमारे। सब यही कह रहे हम आपके साथ हैं। मैं काफ़ी आदमी का कॉल भी नहीं उठा पा रही हूँ क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है आज की वजह। और अब तो फोटो वोटो भी ग्रुप में मारना बंद हो गया है। और भी बंदा का 5-7 फोटो और आया है, कोई आदमी मार भेजा है। अगर किने जरूरत हो है कि भाई कुछ अलग फोटो, एक आध और पब्लिक जो कोई न मानता हो, यानी कि भाई कोई कोई आदमी अभी भी डाउट हो तो एक आध फोटो और है जो आप ग्रुपा में डाल सका, भले वाने देखता बिल्कुल क्लियर हो जाएगी भाई अपनों 1% भी कौन है। नमस्ते नमस्ते परमेश्वर जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को साथ है, टेंशन की तो कोई बात ही कौन है। और आप सभी में यही मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप सभी बिल्कुल कोशिश कर पतो लगाओ भी, जो एक दो आदमी तो शान पकड़ में भी आया है। हम वन वहाँ को पूछताछ कर रहा है और आगे पतो लगा रहा है। बिल्कुल सांवर जी, वो बम कही कौन। बिल्कुल, अब मैं मन में या एक मैं एक बार सभी फ्रेंड हूँ वापस लाइव आर 2 मिनट के लिए बात कर लूँ, क्योंकि सभी का फोन आ रहा है। बिल्कुल यही कह रहा है, टेंशन मत लो टेंशन मत लो, जो मैं यही बता बुझा रहा हूँ। बिल्कुल टेंशन वेंशन नहीं ले रही हूँ मैं, आप सभी को साथ है, टेंशन की कोई बात कौन है। वो तो भी टाइम लाइव आप वो बिल्कुल ज़रूरी हो, क्योंकि काफ़ी आदमियों ने मालूम ही न हो कि राजू राहुल की रियल शक्ल कही है। लेकिन आप सभी का साथ हूँ, करीबन करीबन पूरे राजस्थान में हर आदमी तक आप मारो वो वीडियो पहुँचाए हो। जय बाबा री सा, जय बाबा री, राम राम सा। काटूना मोड़ बिल्कुल आवा सत्याराम जी, 11 तारीख को प्रोग्राम है जोगण्या माता के पास में। हाँ वो तो बिल्कुल आप सभी को ही मालूम है, वो मैं नहीं हूँ। लेकिन जो लोग शक्ल से नहीं जानते उनको डाउट हो गया था कुछ टाइम, लेकिन अब आप सभी के साथ की वजह से वो डाउट भी क्लियर हो चुका है। जय देव की सा, रामपाल सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल कमू जी, कोई टेंशन कौन है। सरवार साइड को हो कोई, बिल्कुल और जी पकड़े है बार बार ने वो कोई आगू आगे का नंबर और बताया है वो कि वो तो आया जी। लेकिन पुलिस वाला को भी मैं बात हुई जो भी, वे भी यही कह रहे कि भाई कि आगे ताकत में कोई फर्जी आदमी ने, बिल्कुल निर्दोष आदमी ने पकड़ ले, माने सजा हो जाओ जो भी गलत है, जिसकी वजह पूरी छानबीन करनी, आगे कोई कदम उठाए पुलिस कर्मचारी तो ही बढ़िया रही। और जो भी भाई मैंने कॉल कर रहा है, बिल्कुल मको की को भी कॉल में रिसीव नहीं कर पाया हूँ, तो आप बिल्कुल मन में कुछ अलग मत ला, जो भी भाई माँ का फ़ोन ना उठा रहा जो इसी कोई बात को ने। और जो भी कोई प्रोग्राम के लिए भी फ़ोन करे, रिकॉर्डिंग के लिए भी फ़ोन करे, तो काफ़ी टाइम फ़ोन ना उठा पाऊँ, क्योंकि अगर ज़्यादा कॉल आ जाओ तो आप खुद भी समझोगे रिसीव ना हो पावे।
मैं अब बाहर घर पे ही हूँ। बस बढ़िया हूँ। जय देव की, राजेंद्र जी। और बिल्कुल काफ़ी फ्रेंड लोग लाइव आ रही या चीज़ बताई या फिर भाई मैंने हूँ इसके लिए भी थैंक्स। राम राम सा। और एक विशेष बात यह भी है कि काफ़ी दिनों आप लोग यही काफ़ी फ्रेंड काफ़ी भाई लोगों की यही ख्वाहिश है कि मेरे गाने गोपाल म्यूजिक के अंदर आए, और हमारे कुछ छोटी मोटी बात की वजह से मैं और कालू जी अलग थे, नहीं कर पा रहे थे साथ में, लेकिन अब आप सभी की दुआ से एक दो दिन के अंदर गोपाल म्यूजिक के अंदर फर्स्ट रामदेव जी का गाना लॉन्च होने वाला है एक दो दिन के अंदर। जो जो भी डेट फाइनल होगी मैं आप सभी को बता दूंगा कि उस डेट को गोपाल म्यूजिक गोरबंद के ऊपर अपना गाना आएगा। अभी गाने की शूटिंग चल रही है 2 दिन से, और सभी दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करूं 2-3 दिन बाद में जो गाना आएगा मैं बोलूं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे से आगे भेजें उसको। और दूसरी या टेंशन तो बिल्कुल आपकी वजह समथिंग ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत रही जो भी ख़त्म हो जाए आप सभी को साथ है तो बिल्कुल। और जो भी लोग भाई मेरा वीडियो देख रहे कृपया, क्योंकि जिन जिन भाइयों को यह पता नहीं है कि मेरा और गोपाल म्यूजिक का जो अनबन था वो ख़त्म हो चुका है तो उन्हें भी पता चले। काफ़ी भाई लोग मुझसे इरिटेट थे कि वो मुझे भी पसंद करते और गोपाल म्यूजिक को भी पसंद करते हैं, तो हम दोनों के इस मुठभेड़ की वजह से वो लोग बैठे हुए थे। तो वापस मैं आप सभी के साथ हूँ, बिल्कुल गोपाल म्यूजिक के साथ हूँ। पुखराज जी मैं समझा नहीं कौन सा वीडियो आ रहा है। हाँ बिल्कुल है, जोगनिया माता के पास प्रोग्राम 11 तारीख को है, जस्ट जोगनिया माता के ऊपर बालाजी महाराज का मंदिर है वहाँ पर है बम्बावदा घाट 11 तारीख को। और सभी भाइयों से निवेदन जो जो 11 तारीख को आ सकते हैं कृपया बालाजी महाराज के प्रोग्राम आए। आदेश आदेश राजू जी। वैसे कंफर्म वो जो मेन आदमी था उसका पता तो नहीं चला है, लेकिन कोई दूसरे का चला है तो उसके जरिए उसका भी पता चल ही जाएगा 5 दिन में। और सभी भाइयों से अगर आप किसी के भी ग्रुप के अंदर कोई शेयर करता हो या पोस्ट या फर्जी जो पहले आया था वैसा कोई करता है तो कृपया उसके बारे में भी आप मुझे मेरे नंबर है उन पर आप मैसेज कर सकते हो, अगर बाय द वे मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो 13 वाले नंबर है या फिर 321 वाले नंबर, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कर सकते हो क्या मुझे पता चल जाए भाई और कोई आदमी है जो उनसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल देवसेना तो साथ है ही है, सभी भाइयों का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं काफ़ी टाइम से फेसबुक पे लाइव भी नहीं आता था कि
टाइम नहीं मिल पाता था कहीं कहीं, लेकिन अब मैं आगे से नेक्स्ट टाइम जब भी जितना भी टाइम मिलेगा वो निकाल कर बिल्कुल लाइव आऊँगा और सभी भाइयों से जितना भी टाइम मिलेगा उतनी देर बात करूँगा। हाँ वो क्या कि मैं छत पे हूँ ना, इसी वजह से आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है आपको, ना बोल तो जोर से ही रहा हूँ। बिल्कुल देव मित्र मंडल के लायक है, जो काम था वो कर ही रहा है देव मित्र मंडल मेरा, और मैं भी देव मित्र मंडल के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। राम राम सा तेजमल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, घर पे हूँ अभी, फ्री था तो मैंने सोचा सभी भाइयों से 2-5 मिनट के लिए बात कर लूँ। मैं गांव हूँ, आज फर्स्ट बार आप सभी को मैं हमारा छोटा सा गांव दिखाता हूँ। हाय हाय बनती है यहाँ पर, तो गांव अर्जुनपुरा है आसिन के पास में, बिल्कुल चैनपुरा गैंग। गोविंद जी अर्जुनपुरा है आसिन के पास में, बोरेला आसिन बोरेला पंचायत है। राम राम जी, राम राम श्यामलाल जी, बिल्कुल आओ, वेलकम आपका आसिन में। बस बढ़िया हो रतन जी, बरसात अभी थोड़ी सी कम हो रही है कैलाश जी, किशन जी, जी क्या है कि मैं थोड़ा सा देसी आदमी हूँ गांव का, इसी वजह से ज़्यादा हिंदी भी नहीं बोलता हूँ और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इसी वजह से अपने देसी भाषा के अंदर ही ज़्यादा बोल पाता हूँ।
सभी भाई ने राम राम बिल्कुल फिर से। और मैं टाइम आऊँगा लाइव और आपसे बात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।